हे हेलो दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल वाला गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सोच के बारे में। हमारी सोच ही एक ऐसी चीज है जो हमें बड़ा या छोटा बनाती है। बड़ी सोच वाला इंसान हमेशा पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है और छोटी सोच वाला इंसान एक्सक्यूजेस के बारे में सोचता है, बहाने बनाने के बारे में सोचता है। ये सोचता है कि किसी तरह काम को कैसे निपटाया जाए, काम को कल पे कैसे टाला जाए। किसी भी चीज के लिए आपकी सोच ही उस काम के रिजल्ट को चेंज करती है। कोई भी काम करने से पहले अगर आपका उसमें डाउट है तो भले ही आप वो काम कर लोगे लेकिन उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आप बड़ी लेवल का सोचते हो तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आपको कंप्लीट करने की हिम्मत मिल जाती है। हमारी सोच ही हमें मालिक या नौकर बनाती है। अगर आप सोचते हो कि आपको ठीक ठाक से नंबर लाके अच्छे से जॉब मिल जाए और फिर आपकी लाइफ सेट है तो ये बहुत ही लिमिटेड सोच है। आपको इससे बड़ा सोचने की जरूरत है, इससे आगे की सोचने की जरूरत है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, हर चीज की अच्छी सी नॉलेज लेनी चाहिए, अपने काम की बारीकियों को भी सीखने की जरूरत है। सिर्फ अकेले नहीं बल्कि एक टीम बनाने की जरूरत है ताकि आप साथ मिलकर काम कर सको और दूसरे लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कर सको। ये मत सोचो कि आपको अपनी प्रॉब्लम कैसी दूर करनी है, ये सोचो कि आप दूसरों की प्रॉब्लम कैसे दूर करोगे। आपके प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दूसरों की प्रॉब्लम में ही छुपा हुआ है। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो जॉब करने से अच्छा सोसाइटी की नीड्स को समझो। जो लोग अपने लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं वो हमेशा से बड़ी सोच रखते हैं। बड़ी सोच रखने वाला इंसान आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएगा, लेकिन छोटी सोच वाला इंसान हमेशा हार्डवर्क करेगा, उसके बाद भी सफलता उससे कोसों दूर होगी। ये आपकी सोच ही है जिसके कारण आपको गिलास आधा भरा हुआ या आधा खाली दिखता है। संदीप सर का एक कोड है, जैसा भी आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो क्यों ना आप बड़ा सोचो। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, दूसरों से बेटर करना है, सोसाइटी की भीड़ में अपना अलग से एक नाम बनाना है तो आपको बड़ा सोचने की जरूरत है और दूसरों से अलग सोचने की जरूरत है। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो उन लोगों से अलग सोचते हैं जिससे बाकी लोग सोचते हैं। तो बस आपको अपने सोच को बदलने की जरूरत है। एग्जाम्पल लेते हैं एक एम्प्लॉय का और उसके बॉस का। एक एम्प्लॉय बस इतना ही सोचता है कि कैसे वो दिन भर का काम कंप्लीट करके जल्दी घर जा सके और अपना फेवरेट टीवी शो देख सके। उसे महीने की एक तारीख को अपनी पेमेंट तो मिल ही जाएगी। वो कभी भी एक्स्ट्रा काम करने के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि इसके उसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन एक लीडर अपने से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू देगा, चाहे वो उनके कस्टमर्स हो, उनकी टीम हो, उनके स्टाफ के लोग हों। एक बड़ी सोच वाला इंसान अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है जिससे इनडायरेक्टली उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब आप अपनों से ज्यादा दूसरों की केयर करते हो तो लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, आपकी एक स्ट्रांग टीम बिल्ड होती है जिससे आपके काम में परफेक्शन आता है। बड़ी सोच इंसान को बड़ा बनाती है। छोटी सोच हमेशा इंसान को एक ही जगह में रखती है और उसे किसी भी चीज में आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच की वजह से ही मैक्सिमम लोग रिस्क नहीं ले सकते जिससे उन्हें बड़े रिजल्ट भी नहीं मिलते, और यही मैक्सिमम लोगों के गरीब होने का भी कारण है कि वो कभी बड़ा लेवल का सोच ही नहीं पाते। सो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।